हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एमडीकेट टेस्ट 2022 जो है उसके अंदर कौन कौन से चैप्टर के अंदर जो एमसीक्यूज आए थे, जो इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज आए हुए हैं 2022 के टेस्ट के अंदर एमडीकेट में थे, वो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। मैंने इन एमसीक्यूज को चैप्टर वाइज कर दिया है कि किस चैप्टर से कौन कौन से एमसीक्यूज आए थे। तो सबसे पहले एक चैप्टर जो लिया है ये है असेल्युलर लाइफ या बायोडाइवर्सिटी की, जो आपका एमडीकेट का जो सिलेबस था जिसमें टॉपिक दिया होता कि भाई असेल्युलर लाइफ या बायोडाइवर्सिटी आपको टॉपिक कवर करना है। फिर उसी असेल्युलर लाइफ के अंदर जो टॉपिक थे वायरस था, वायरस का स्ट्रक्चर था, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए। सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी जो है उसके अंदर पांच किंगडम वगैरह सारे फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन भी आ जाती है। तो एक क्वेश्चन ये आया हुआ था कि प्लांट लाइक प्रोटिस्ट जो है किसको कहा जाता है, प्लांट लाइक प्रोटिस्ट किसको कहा जाता है, जिसमें ऑप्शन ब्रायोफाइट्स, बैक्टीरिया, फंजाई, एल्जी और ट्रेकियोफाइट है। तो याद रखिएगा प्लांट लाइक प्रोटिस्ट जो है वो कौन से होते हैं, एल्जी। एक क्वेश्चन ये आया हुआ था, तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, एल्जी। तीन तरह के प्रोटिस्ट पाए जाते हैं किंगडम प्रोटिस्टा में, एक एनिमल लाइक होते हैं जिसको हम प्रोटोजोआ कहते हैं, एक होते हैं प्लांट लाइक प्रोटिस्ट जिसको हम एल्जी कहते हैं, और दूसरे होती है प्राइमेटिव फंजाई। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो आया हुआ है इसी चैप्टर से वो आया हेपेटाइटिस इज कॉज्ड बाय, कि हेपेटाइटिस जो डिजीज है वो किसकी वजह से होती है, मतलब कि कोई किस तरह का ऑर्गेनिज्म कॉज करता है, प्रोटोजोआ कॉज करते हैं, बैक्टीरिया कॉज करते हैं, एल्जी, फंजाई या वायरस। तो हेपेटाइटिस जो है याद रखिएगा एक वायरल इन्फेक्शन है जिसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है लिवर का। ठीक है जी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, वायरस। क्वेश्चन नंबर थ्री के अंदर एक और डिजीज की बात की गई, रेबीज जो डिजीज है जो डॉग बाइट की वजह से हो जाती है, तो ये पूछा ये किस ऑर्गेनिज किस वायरस की वजह से कॉज होती है। तो इसमें ये ऑप्शन थे पैरामेक्सो वायरस, राइनो वायरस, एर्बो वायरस, रेबडो वायरस एंड पोलियो वायरस। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो डी है, रेबडो वायरस की वजह से ये डिजीज होती है रेबीज। अब ये भी याद रखना कि रबीज जो है ये क्या है, एक वायरल डिजीज है। क्वेश्चन नंबर फोर जो है वो हमारे पास यहाँ पर इस तरह से आया हुआ था कि एड्स जो है इसके अंदर डी जो है ये किसके लिए स्टैंड करता है, मतलब डी का मतलब क्या है यहाँ पर। तो एड्स के अंदर एड्स की जो एब्रीवेशन है तो एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, जिसमें डी का जो मतलब है डेफिशिएंसी, डी का मतलब क्या है, डेफिशिएंसी। तो एड्स के अंदर डी जो स्टैंड करता है किसके लिए, डेफिशिएंसी के लिए। तो इसका राइट होगा सी। डेफिशिएंसी किस तरह की, एड्स की जो डिजीज है ये इम्यून सिस्टम के ऊपर अटैक करती है जिसकी वजह से इम्यूनिटी वीक हो जाती है, ये डेफिशिएंट हो जाती है, तो ये डेफिशिएंसी इसका राइट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर फाइव जो है इसमें पूछा था कि वायरस इज ड्राइड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड मीन, तो वायरस जो वर्ड है ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है और इसका मतलब क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो क्या है, पॉइजन राइट है। तो वायरस लैटिन लैंग्वेज से लिया गया है जिसका मतलब क्या है, पॉइजन। तो ये पांच क्वेश्चन आए थे 2022 के अंदर वायरस वाले चैप्टर्स या बायोडाइवर्सिटी के इंक्लूड। फिर दूसरा जो चैप्टर है प्रोकैरियोट्स या बैक्टीरिया से, ये दो क्वेश्चन आए हुए थे। इसमें एक क्वेश्चन ये पूछा था कि फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो है वो क्या लाइब्रेट करते हैं, जैसे कि प्लांट्स जो है ना वो ऑक्सीजन को लाइब्रेट करते हैं या रिलीज करते हैं, इसी तरह फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो है वो यूज तो हाइड्रोजन सल्फाइड करते हैं लेकिन लाइब्रेट किसको करते हैं, सल्फर को लाइब्रेट करते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन जो है वो क्या है, सी राइट है। फिर एक और डिजीज से रिलेटेड क्वेश्चन आया हुआ है, साइफिल्स इज कॉज्ड बाय, साइफिल्स जो डिजीज है ये किस ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है। तो सबसे पहले तो ये बैक्टीरियल डिजीज है, याद रखिएगा अक्सर करके बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये वायरल डिजीज है, वायरल नहीं है, साइफिल्स एक बैक्टीरियल डिजीज है जिस किस वजह से होती है, ये डी ऑप्शन इसका राइट है, ट्रेपेना पैलेडियम इसका राइट ऑप्शन। ठीक है जी। अच्छा, साइफिल्स इस चैप्टर से भी बिलोंग करता है और दूसरा ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम से भी बिलोंग करता है, तो हो सकता है ये क्वेश्चन वहां से लिया हो या इसी चैप्टर से भी हो सकता है। तो ये दो क्वेश्चन आए हुए थे प्रोकैरियोट्स बैक्टीरिया वाले चैप्टर से। फिर एक और इंपॉर्टेंट चैप्टर है इसका नाम है बायो एनर्जेटिक्स, जिसमें आपने फोटोसिंथेसिस और रिस्पायरेशन के बारे में पढ़ा था, ये भी एमडीकेट के सिलेबस में मौजूद था 2022 के अंदर। इसके अंदर क्वेश्चन जो आए हुए थे एक ही आया हुआ था, क्वेश्चन नंबर एट, कि नेट एटीपी प्रोड्यूस एट द एंड ऑफ ग्लाइकोलाइसिस, कि जो रिस्पायरेशन होती है जिसमें ग्लाइकोलाइसिस का जो प्रोसेस होता है जिसमें ग्लूकोज पाइरेवेट में कन्वर्ट होता है, तो टोटल एटीपी कितने बनते हैं, चार, लेकिन यहां पर क्या पूछा हुआ है, नेट गेन एटीपी पूछा हुआ है, नेट एटीपी हो तो इसका राइट था 2 एटीपी जो है नेट गेन होते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसमें पूछा हुआ था कि पाइरेवेट या पाइरेविक एसिड जो है, ये जो एसिड है इसके अंदर कितने कार्बन होते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन 7 कार्बन या 3 कार्बन। तो इसका राइट ऑप्शन था 3 कार्बन, क्योंकि एक ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन होता है तो उसे 2 पाइरेवेट बनते हैं और उसके अंदर 3 कार्बन प्रेजेंट होते हैं एक पाइरेवेट के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया हुआ था, द कॉमन एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, सेल के अंदर जो एनर्जी करेंसी किसको कंसीडर किया गया था, तो एटीपी जो है इसको कहा जाता है एनर्जी करेंसी।
मतलब जब भी बॉडी के अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी तो क्या यूज होगा, एटीपी यूज होगी। ठीक है जी, इसका राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 10 का सी राइट है। फिर एक और क्वेश्चन आया हुआ था कि लाइट रिएक्शन ऑफ द फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन, क्वेश्चन नंबर 11 जो है इसमें पूछा कि लाइट रिएक्शन, फोटोसिंथेसिस के दो स्टेप होते हैं, दो फेसेस होते हैं, एक होता है लाइट रिएक्शन, दूसरा होता है डार्क रिएक्शन। तो इसमें पूछा था कि लाइट रिएक्शन जो है फोटोसिंथेसिस का वो किस ऑर्गेनेल में होता है, लेकिन ऑर्गेनेल के अलावा ये पूछा था साइट के अंदर, तो ऑर्गेनेल तो क्लोरोप्लास्ट, लेकिन क्लोरोप्लास्ट के अंदर कहां पर होता है, थैलोकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर होता है लाइट रिएक्शन, और डार्क रिएक्शन कहां पर होता है, स्ट्रोमा के अंदर। फिर क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसके अंदर पूछा हुआ था कि एंजाइम जो है जो केल्विन साइकिल के अंदर यूज होता है उस एंजाइम का नाम क्या है, ये ऑक्सीडेज, रिडक्टेज, आइसोमरेज, रुबेस्को या पेप्सिन, इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है, तो उसका राइट था रुबेस्को। रुबेस्को एक ऐसा एंजाइम है जो केल्विन साइकिल या केल्विन साइकिल का दूसरा नाम है डार्क रिएक्शन, या C3 साइकिल भी केल्विन साइकिल को कहा जाता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्सेशन करवाने के लिए कौन सा एंजाइम यूज होता है, रुबेस्को यूज होता है। तो ये हो गए कुछ क्वेश्चंस, इसके अलावा कुछ और जो है वो नेक्स्ट पार्ट के अंदर डिस्कस करेंगे।